अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी हैं, जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान भी चांद पर जाएगा। कैसे जाएगा? पाकिस्तान ऑन मून। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे हैं, पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट चांद पे जा रहे हैं। वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? हमारे मतलब बाप को मत सिखा। चल, या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता, आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है। भारत चांद पे गए, हम भी चांद पे जाएंगे। अरे तू जा रही? पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन 3 मई को चांद के लिए रवाना होगा। या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और ये पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्च होता हुआ और ऐसा लग रहा है कि आज ये चांद पर ही जाके रुकेगा। लेकिन ये क्या, ये तो नाच रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये नाच रहा है। ओ नो, ऐसा लग रहा है ये रावलपिंडी में ही लैंड कर जाएगा। कर जाएगा और ये कर गया। तू चांद के ऊपर भी जाके बैठेगा, चांद पे लिख देगा अल्लाह के नाम पे, दे दे बाबा तुझे वहां भी नहीं मिलेगा। गजब बेइज्जती है। इस्लामाबाद की सरकार ने चांद पर अपना कटोरा बेचने की तैयारी की है। जहां पर इतने सारे देश जाएंगे वहां पे कोई ना कोई भिखारी भी तो होना चाहिए। गटर वटर कौन साफ करेगा? पाकिस्तान दूसरे ममालिक में जाता है, लोग पाकिस्तान को धक्के मार के वापस पाकिस्तान में जाते हैं, ये क्या है? सुनते जाइए। लोग मून पे जाते हैं कुछ और नया रिसर्च करने के लिए, कोई नई दुनिया ढूंढने के लिए, कोई पानी वगैरह कुछ ढूंढने के लिए। पाकिस्तान जा रहा है आटा ढूंढने के लिए। हाँ तो भैया, पाकिस्तान ने दावा ठोक दिया है भारत चांद पे गया तो हम भी जाएंगे। अरे उसको रोको भाई, रोको उसको भाई। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक मासूम सी कन्या जो मोहब्बत वतन है, यानी कि देशभक्त है। मोहब्बत वतन मतलब अपने देश से प्रेम करने वाली या वाला। तो इस मासूम कन्या का दर्द मुझसे देखा नहीं गया तो मुझे लगा क्यों ना इस दर्द को आपके साथ शेयर किया जाए। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। मुझे ये आप ये बताइएगा, अकवामे मुत्तहिदा में हम हमेशा बहुत से मुद्दे लेकर जाते हैं, पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएगी या कुछ करेगी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अभी तक पाकिस्तान अवाम ने कुछ नहीं किया तो आगे वाले वक्तों में क्या करेगी? वो सिर्फ देखती रहेगी कि अगला मुल्क कहाँ तक पहुँचा है, फलाह कहाँ तक पहुँचा है। और तो और ये मुनाफिक औरत हिंदुस्तान को सेकुलर साबित करने की कोशिश कर रही है। जली ना तेरी भी जली ना। यार देखो, पाकिस्तान में भी टैलेंट बहुत ज्यादा भरा हुआ है उन पर। टैलेंट पड़ा हुआ है? पड़ा, भरा हुआ नहीं है, पड़ा हुआ है। क्या है? भरा हुआ है उन पर। हाँ यही। लेकिन वो शो ऑफ नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? ये हमारे पाकिस्तान हुक्मरान नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े थोड़ा सा। पता है ना आप सबको, दूसरे ममालिक दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं दिन ब दिन। मैं तो कहती हूँ कि वो ऐसे करें जैसे किसी से कंपटीशन ही उनका चल रहा, ऐसे हो रहा। लेकिन पाकिस्तान ये देखने के बावजूद उसी लेवल पे आके खड़ा हुआ है। पाकिस्तान आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। लानत है तुम लोग पे, लानत। इंडिया कैसे आगे बढ़ गया? अक्वामे मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस। इंडिया ऐसे बढ़ गया, वो अपने टैलेंट की वजह से आगे बढ़ता है। ठीक है, उन पे टैलेंट इतना ज्यादा है और वो शो भी करवाते हैं और वो कहते हैं कि ये चीज हमने करनी है और करके दिखानी है। वो ये नहीं कहते कि हम करेंगे आने वाले फ्यूचर में। पाकिस्तान कहते हैं चले हम कोशिश करेंगे, हम करेंगे। ये करेंगे जो कर सकता है इसमें बहुत फर्क होता है, और वो जो इंडिया ना वो करके दिखाता है। और वाकई ये नजर भी आता है दूसरे ममालिक को, हमें भी नजर आता है इंडिया जो कहता है वो करके दिखाता है। जो भी है, बाइक है, ये जो इलेक्ट्रिक का हमने सुना था, इलेक्ट्रिक कार या ये लॉन्चिंग करवानी है इंडिया वालों, तो इंडिया वाले क्यों हर बार इंडिया का नाम क्यों आता है? और हम ये क्यों नहीं सुनने को देखते कि पाकिस्तान ने ये चीज़ लॉन्च की है? पाकिस्तान में वही पुराने जमाने की 2009 की वही रेलवे स्टेशन वाली गाड़ियाँ, ट्रेन आज तक सफर करते आ रहे हैं, वही जरा सी भी चेंजिंग नहीं आई ट्रेन में, इधर से उधर चेंजिंग नहीं आई। इस बेचारी का तो पाकिस्तान से दिल ही भर गया है। जो भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है वो इंशाल्लाह ही कहेगा कि हमारी मईशत बेहतर हो, मुल्क में माशी इस्तेहकाम आए। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से खुदा ना खास्ता दुश्मनी रखते हैं, मैं बड़ा सोच समझ के इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अपने मुल्क से दुश्मनी रखने के ही मुतरादिफ है कि आप अपने मुल्क के बारे में गलत खबरें फैलाएं, सारा दिन सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करें, दुश्मन के मुंह में अल्फाज डालें,
या दुश्मन को खबरें दें इस किस्म की कि दुश्मन कहे कि भी हमारे इनके होते हुए हमें तो इनसे दुश्मनी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो दुश्मनी रखते हैं मुल्क से, बुग्ज रखते हैं मुल्क से, कीना रखते हैं मुल्क से, वो इस किस्म की गलत खबरें फैलाते हैं जिस तरह की सोशल मीडिया पर कुछ लोग फैला रहे हैं और बड़े तसलसल से फैला रहे हैं। लेकिन जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी होगा वो अपने मुल्क की अच्छी खबरों के लिए खुशी भी महसूस करेगा, मुसरत भी महसूस करेगा और दुआ को भी होगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे और हमारे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आए इंशाल्लाह। पाकिस्तान अगर आतंकवाद का सहारा ना लेता तो आज शायद इनकी भी अर्थव्यवस्था, इनका माशरा शायद कुछ बेहतर स्थिति में होता। हाँ भाई हाँ। इन सुंदर सुंदर खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों के चेहरे ऐसे लटके हुए देखने को ना मिलते, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हमें तो इन पाकिस्तानियों के लटके हुए चेहरे ही देखना पसंद है। क्यों भाई लोग? मोदी कितना भी बुरा आदमी है, उसने अपने मुल्क को कितना सुवार लिया है, कहाँ चला गया है? 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई, पहले मैं बताता हूँ 86 था, चांद पे चला गया है। चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, पाकिस्तान अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा है, ठीक है ना? ये बात है, सुने मेरी बात। अच्छा, जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा, तो हमारी पैसा में ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम पावर थी। ठीक है, अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, ठीक है, 1,00,000 रुपए मिलता था, 100 रुपए का 1,00,000 मिलता था। हाँ जी, ठीक है, ये कब की बात है? मुझे ये बात होगी 80-82-78 की बात है, 82 की बात है, बल्कि जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की करंसी थाईलैंड हम जाते थे, थाईलैंड जाते जी, तो हमें पता है कितने पैसे मिलते हैं, हम 1,000 लेके जाते थे ना, हमें 2,500, 1,500, 2,000 मिलता था हमारी रकम का। और अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। भी हमारी बात नहीं सुनता है भाई, अब सुनेगा भी क्यों? उन्होंने हमारे पाकिस्तान के हालात नहीं देखे, पाकिस्तान की सिचुएशन नहीं देख रहे, वो क्यों सुनेगा भाई? मैं तो जो सही है उनके साथ हूँ। जो मुल्क तरक्की कर रहा है, जो मुल्क आगे बढ़ रहा है, उसको अप्रिशिएट करो, और जो नहीं कर रहा है उसको करने की कोशिश करो यार, वो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक में जाता है, लोग पाकिस्तान को धक्के मार के वापस भेजती है, पाकिस्तान खुद अपना लेवल कम कर रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि दूसरे ममालिक में जाए पता लगे भाई पाकिस्तानी अवाम आई है दूसरे ममालिक, लेकिन मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। पाकिस्तान अवाम जाते हैं और वो धक्के खा के वापस आ जाते हैं अपने ममालिक में। क्या हमें कभी किसी बड़े ओहदे पर फाइज किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता, जैसे कि हम मैं हालात देख रही हूँ अपने पाकिस्तान के, कि हम किसी हाई लेवल के मुकाम पर पहुँचेंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हर मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारे पाकिस्तान के अलावा दूसरा ममालिक हाई लेवल पे जा रहा है। मुझे ये सुन के कसम से दिल्ली मुझे अफसोस है, मुझे दिल से तकलीफ होती है हमारे पाकिस्तान होने पे। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है कि हम शो नहीं करते, कि हम कुछ कर नहीं सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो मुल्क कोई भी हो, वहाँ भी देशभक्त लोग होते हैं, अपने देश से प्रेम करने वाले होते हैं, अपने देश की डावाडोल स्थिति को देखने के बाद में उनके चेहरे पे रुआसी भी आ जाती है, उदास भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं। ये लड़की भी ऐसी देशभक्त पाकिस्तानी है जिसको अपने पाकिस्तानी होने पे नाज तो है, लेकिन अपने पाकिस्तान की करतूतों पे दुख भी है, तकलीफ भी है। तो एक देशभक्त होने के नाते इस मोहतरमा की तकलीफ को मैं भी समझ सकता हूँ कि जब अपने मुल्क का बुरा हाल होना तो तकलीफ होती है, यहाँ लगती है। यहाँ जी हमें ऐसा करना क्या चाहिए कि हमारा इमेज, पाकिस्तान का इमेज, हमारे जो रिलेशन है, हमारा बिजनेस है दूसरे कंट्रीज के साथ बेहतर हो, हमारी वैल्यू बेहतर हो? तुम्हारी वैल्यू कैसे बेहतर होगी भाई? देखे कैनेडा में हुआ है, क्या नाम है उसका, यूनिवर्सिटी में एक मसाना लेक्चर हुआ है इस पे, क्या नाम है, करप्शन जिन लोगों ने की है, वहाँ पे तो नवाज शरीफ का नाम आ गया था। तो फिर छोड़े, हमें कुछ नहीं मारा बनना भाई, अल्लाह पे उम्मीद है सिर्फ, ओनली अल्लाह, हस्बिल्लाह, अल्लाह हमारा, अल्लाह हमारा, अल्लाह काफी है। लेकिन ये हमें खुद भी तो मेहनत करनी चाहिए। किसने करनी है? कोई बाहर निकलता है तो हम देखें, नहीं निकल सकता कोई भी। मैं बाहर निकलू, मैं भाई भाई आप भी छोड़ बिजली के अभी भाई छोड़ जाएंगे, कौन बिजली का बिल, बिजली के बिल बढ़ गया कम हुआ है? मुझे बता है तो फिर क्या कह रहा है? एक दिन किया है और कोई 2 महीने दुकानें बंद हो, बात ये होनी चाहिए, मर जाएंगे, घंटा ही बंद करेंगे, इधर तो तकलीफ ले लेंगे। जो चीज महंगी होती है वो ज्यादा खरीदी जाती है। पाकिस्तान है तो हमें भाई, अल्लाह करे पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हमें अतहद और समझ दे, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे, हम हमारे हमारे अगर लीडर अच्छे आएंगे भाई। हम इधर अपना नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या फायदा, मतलब उस तरीके से हमारा कोई इमेज बेहतर भाई, हम गुलाम है, ओनली बात ये है। मौलाना साहब मजा आ गया भाई साहब, मौलाना को देख के, भारत चांद पे गया हम भी जाएंगे। भाई तुम चांद पे हो ऑलरेडी? कैसे? चांद पे ना रोशनी है, सुनते
सुनते जाइए। चांद में ना हवा है ना पानी है, सुनते जाइए, और वही सब पाकिस्तान के अंदर है। तो तुम चांद पे ही हो चाचा? हाँ भाई हाँ। और एक पाकिस्तानी तो ये और बोल रहा था हम चांद पे जाके करेंगे क्या, हम चांद से गिर गए तो? कौन है, कहाँ से आते हैं? चपटी धरती वालों का ज्ञान सुनो कि हम एक किनारे से दूसरे किनारे जाएंगे तो गिर जाएंगे हम, इसके लिए एक ही जगह ठहरे हुए रहते हैं। खैर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना, कमेंट तो आपने करना ही करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जनाब ये बात तो सोचने वाली है, हम चांद पे जाके करेंगे, अगर गिर गए तो? गिर गए तो कौन उठाएगा? कौन उठाएगा, कौन सा उठाने के काबिल भी रहेंगे या नहीं? अच्छा ये ऐसा था मैं भी शायद यही समझी, शायद कहीं से। तो वकार जका की वीडियो भी तो है ना, चांद पे हम जाएंगे तो हमारे पास अपना रॉकेट नहीं है, हमारे पास अपना रॉकेट का बिल पे और बेस वो उसने क्या पता किसी गैर में कहीं पे कोई बात की होगी तो वो क्लिप उसकी लगा दी है ना। 3 मई को, 3 मई आज है? नहीं नहीं ये बनी हुई स्टोरी है सारी। तो खैर कहने का मतलब ये है कि ऐसी अगर कोई खबर है तो बड़ी ही बेहुदा खबर है। हाँ। क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है, और जिस मुल्क के पास खाने पीने को ना हो, जिस मुल्क के पास इतने हालात ख़राब हो, वो चांद वाली बातें क्यों करें? वो चांद पे जाके करेंगे क्या? वो चांद से क्या टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे क्या? वहाँ पे मतलब क्या आटा चीनी गम ऑलरेडी हम चांद पे ही तो मौजूद है ना, हमारे पास बिजली है ना, पानी है ना, गैस है, तो चांद पे ही तो मौजूद है ना। हमें तो मतलब इंडिया से कोई मुकाबला है ही नहीं। अगर कुछ लोग ऐसा, अब जैसे वो कह रहा है बाबा जज्बाती में हो गया कि मैं इंडिया चांद पे गया आप भी जाएंगे, तो लगे बंदे आप कहाँ पर खड़े हो, आपके हालात तो किस लेवल पे हो अभी, आप ये देखो आप कहाँ खड़े। हमें अपनी इकोनॉमी तो पहले बेहतर करें, उससे पहले हम अपने अंदर करप्शन तो खत्म करें, हम सिर्फ जज्बाती हैं। चांद पे जाने से पहले अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने सही करनी है, जो हम नहीं कर पा रहे। चांद पे जाना तो अभी 100 साल तक तो भूल जाओ, सवाल जाएगा आखिर में। चाचा जो जज्बाती हो गए, तो यही हमारी पूरी कौम है, जज्बाती कौम, इसी वजह से ही आज हम बिल्कुल पीछे हैं। हमें अच्छा हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। हकीकत क्या है? हमारी तालीम का बेड़ा गर्क हुआ है, हमारे यहाँ पे आने वाली नस्ल बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारे एजुकेशन का बेड़ा गर्क है कि एजुकेशन हम उनको सही तरीके से दे ही नहीं रहे। अच्छा यहाँ पे सेहत नहीं है, सेहत का कोई निज़ाम नहीं है, टेक्नोलॉजी कोई खास नहीं है, पीने का साफ पानी तक नहीं है। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर जिंदगी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़रूरत है इनहेंस होने की। तो बिल्कुल, तो इस जिस मुल्क के निज़ाम ही धर्म भरम हुआ हो, जहाँ पर हर इदारा, जो इदारे मुल्क चलाते हैं, जो इदारे मुल्क को आगे ले जाते हैं, वही अगर मुल्क को नोच रहे हों, वही अगर मुल्क को खा रहे हों, वही अगर मुल्क की जड़ें को खोखला कर रहे हों, उसी के पिलरों को तोड़ रहे हों, तो फिर उस मुल्क को कौन आगे ले जाएगा? मतलब क्या वो जादू से ले जाएगा? और हमारे एक और लोगों की बड़ी अजीब मेंटेलिटी है कि हम हैं मुसलमान, पाकिस्तान है इस्लाम का किला, अल्लाह करेगा। कहाँ से कैसे, मतलब हम टेढ़ा करेंगे? नहीं ये नहीं कहा कि अल्लाह करेगा, अल्लाह ने भी कहा है कि ज़रूर मैं दूंगा, मैं नवाजूंगा, लेकिन वसीला तो तुम बनाओ, घर से तो निकलो, जद्दोजहद तो करो, कोई ना कोई वो ऐसा कोई वसीला बनाओ कि जिसके ज़रिए मैं दूँ तुम्हें, नवाजूँ तो किसी के ज़रिए नवाजूंगा ना, कोई काम करोगे तो मैं दूंगा ना, अगर तुम का कोई काम ही नहीं करोगे, बिस्तर पर पड़े रहोगे, कहोगे अल्लाह कर देगा, तो इम्पॉसिबल, अल्लाह घर आके तुम्हें रोटी खिला के थोड़ी जाएंगे। बिल्कुल, और अगर अल्लाह ने करना है और अल्लाह ने हमारे लिए करना है, बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात है कि एक हिंदू देश है तो अल्लाह उनके लिए कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह तो उनके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों नहीं कर रहा? तो खुद अपने अपने पैरों पर खड़ी हुई है, खुद उसने कौम ने तरक्की की है, तो आज वो कहाँ से? खुद करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है कि आप कह दो अल्लाह करने वाला और आप बैठ जाओ, ऐसा नहीं। और चोरियां करें और गलत कामों की तरफ चले जाएं और एक दूसरे का हक मारें, ये थोड़ी कहा है कि आप जाके चोरियां करो, क्यों कर रहे हो? अल्लाह ने ये तो नहीं कहा। चीजों में मिलावट करें, कोई दुनिया में एक ऐसी करप्शन करो, ये तो नहीं कहा। दुनिया में कोई एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तान का नाम और दुनिया में फेमस हो, यानी दुनिया कहती हो हजार वो मुझे पाकिस्तानी चाहिए। हाँ। मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जो पाकिस्तान ने बनाई है, तो फिर हम कहाँ से तरक्की करेंगे? बात ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल, तो आज हम जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, पापड़ चिप्स कुछ भी, सब सब बाहर, सब इम्पोर्ट हुई। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।